प्रदेश के अन्य जिलों की तरह सोलन में भी शनिवार और रविवार को बाजार बंद किया गया है, जिसमें जरूरी सामान की दुकानों को छोड़कर अन्य सभी दुकानें बंद करने के आदेश दिए गए हैं। व्यापारी इन सभी आदेशों का पालन भी कर रहे हैं। इस बंद को लेकर व्यापारियों ने मिलीजुली प्रतिक्रिया दी है। कुछ इस बंद को कामयाब मान रहे हैं तो कुछ व्यापारियों का कहना है कि इस बंद से कोरोना पर नियंत्रण नहीं किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि बाजारों में कोरोना के डर से ग्राहक पहले ही बेहद कम हैं, लोग खुद बेहद जागरूक हैं। ऐसे में लॉकडाउन लगाकर व्यापारियों को केवल हानि उठानी पड़ रही है, इसलिए प्रदेश सरकार को कुछ प्रभावी कदम उठाने की आवश्यकता है। सोलन के व्यापारियों ने मिलीजुली प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि बाजार में कुछ दुकानें खुली हैं तो कुछ बंद हैं। शहरवासियों पर कोई पाबंदी नहीं है, वे जहां चाहे आ जा सकते हैं। ऐसे में बाजारों में भी लोग आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन को चाहिए कि अगर बाजार बंद करना ही है तो सभी तरह की आवाजाही पर रोक लगे, दुकानें कुछ समय के लिए ही खुले, तब बाजार बंद से कोरोना को नियंत्रण किया जा सकता है। अन्यथा शहरवासी बाजारों, होटलों और रेस्टोरेंट में घूम रहे हैं। वहीं व्यापारियों के एक पर का मानना है कि जिला प्रशासन द्वारा बंद का निर्णय स्वागत योग्य है, ये फैसला काफी कारगर साबित होता नजर आ रहा है। बाजारों में लोग भी कम आ रहे हैं। ये लॉकडाउन तो चलो नहीं होना चाहिए, जनता को खुद अवेयर करना चाहिए, अपने मुंह पे मास्क लगाना, दूरी बना के रखना, इसी से ही काफी फर्क पड़ेगा। लॉकडाउन कोई इसका जरिया नहीं है कि भी इसको कम किया जा सकेगा। दूसरी बात, ये जो दुकानें बंद कराने का सिस्टम है ये प्रशासन का, ये भी हमारी समझ से बाहर है कि जो करियाना लफ्ज है ये एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में आता है और डेली नीड एसेंशियल आइटम है। पर हम ये कहते हैं जिनके पास, चलो मान लिया भी कॉस्मेटिक वालों को इतराज है, तो जहाँ कॉस्मेटिक है उसको बंद कराओ, पर जहाँ डेली नीड के पास अगर कराना है तो वो बंद नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उसकी दोनों ही आइटमें जो हैं एसेंशियल हैं। लॉकडाउन ठीक है, मार्केट में कस्टमर तो है ही नहीं, ग्राहक नहीं है, अगर खुली भी हैं दुकानें तो बेले बैठे हैं, कोई काम नहीं है। क्यों नहीं होगा लॉकडाउन कामयाब? लॉकडाउन का मतलब है जनता भी ना है ना बाजार में, आम आदमी अलाउड है, जो मर्जी बाजार में आए, जितने मर्जी आए, जाएँ घूमें फिरें, जो मर्जी करें। सर दुकानें बंद हैं, दुकानें बंद होंगे लॉकडाउन, उससे क्या हो जाएगा? उससे ये कोरोना नहीं भागेगा। या तो कंप्लीट लॉकडाउन करो दो दिन का, कोई ना मार्केट आएगा ना कोई घूमेगा, ये तो गलत फैसला है लॉकडाउन का ना। कंप्लीट लॉकडाउन होना चाहिए जैसे पहले था, और जनता आ रही है, जनता जा रही है, तो दुकानदारों से क्या फर्क है, दुकानदारों से उससे नहीं होता कुछ। जिस तरह से कोरोना का संक्रमण पूरे देश में बहुत तेजी से फैल रहा है, उसी को मद्देनजर रखते हुए हिमाचल सरकार ने और हिमाचल में सोलन के प्रशासन ने भी यह निर्णय लिया है कि वीकेंड के अंदर यानी कि दो दिन बाजार को पूरे रूप से बंद रखा जाए, और एक और निर्णय लिया है कि शाम को दुकानें जो हैं 7 बजे तक बंद हों। और मुझे लगता है कि क्योंकि ये पहला वीकेंड था और बहुत अच्छे से लोगों ने इसको माना है, बहुत अच्छे से इसका पालन किया है, जितने भी हमारे दुकानदार हैं, जितने भी हमारी बाकी पब्लिक है, उन्होंने बहुत अच्छे से इसका पालन किया। और इस पालन करने के साथ साथ मुझे तो ये भी लगता है कि हम इसको अच्छे से पालन करेंगे तभी इस संक्रमण से थोड़ा सा बचा जा सकता है। आपको कामयाब है लॉकडाउन? बहुत अच्छे से कामयाब लग रहा है उन्होंने, क्योंकि आप देखेंगे पूरा का पूरा बाजार जो है अच्छे तरह से बंद है, कोई भी दुकानदार किसी भी तरह से अपनी दुकान को खोलने के लिए इसमें तैयार नहीं है, और पूरे जितने भी आदेश जिला प्रशासन ने दिए हैं उनको अच्छे से अनुपालना कर रहा है। बाजार में उस तरह के लोग, उस तरह से भीड़ नहीं है, सिर्फ आवश्यक वस्तुओं के लिए लोग आ रहे हैं, और जिनको आवश्यक काम नहीं है वो नहीं आ रहे हैं, तो बिल्कुल इससे रोकने में मदद मिलेगी।